चलें इसी के साथ रुकत एक और बड़ी खबर रायपुर से इस वक्त हमें मिल रही है। आपको बता दें कांग्रेस की बैठक में चुनावी वादों पर चिंतन, जयराम रमेश और सूरज जेवाल के सामने गिनाए काम, सीएम बघेल और मरकाम में रखा सरकार का लेखा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां चुनावी वादों पर चिंतन, कांग्रेस की घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति ने लिया चुनावी वादों का हिसाब, मुख्यमंत्री ने गिनाया सरकार के काम। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम रमेश की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक में कांग्रेस संचार विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला और छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया भी इस बैठक में शामिल हुए। जहां एक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं का ब्यौरा दिया है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल के कार्यकाल में 36 वादों में से 24 को पूरा कर लिया है, जल्द ही सभी वादों को पूरा करने की ओर बढ़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए एआईसीसी की घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक में पूर्व मंत्री जयराम रमेश, कांग्रेस संचार विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला, छत्तीसगढ़ के एआईसीसी के प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाग लिया। इस बैठक में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी 3 वर्ष का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है और वादों को पूरा करने के लिए जिस तरह से काम किया है, जिस तरीके से कर्ज माफी हुई है, किसानों को धान का 2500 रुपए दाम दिया जा रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा डीएमएफ जैसे क्षेत्रों में जो बुनियादी क्षेत्रों में सुधार हुए हैं, इन सारे कार्यों की सराहना की गई और जो 36 वादे किए गए थे उनमें से 24 को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से सरकार ने पहल की है, इसकी भी प्रदेश कांग्रेस प्रमुख मोहन मरकाम जी ने विशेष रूप से उल्लेख किया। आज की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यों की प्रशंसा की गई और राज्य सरकार के कार्यों के प्रति घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति ने संतोष व्यक्त किया। चले इसी पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नितिन चौबे स्ट्रेट हेड छत्तीसगढ़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन जी, चुनावी वादों पर अब चिंतन। जी आपको बताना चाहेंगे, कल घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की जो समीक्षा है वो भूपेश सरकार की गई, जिसको कि मुख्य संचार विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश सहित छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया मौजूद थे। उस मौके पर या छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से और छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी की ओर से अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी और अन्य कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का डाटा वाइज ब्यौरा समिति को दिया है, जिसमें की खासकर गौधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो जनहित में महत्वाकांक्षी योजनाएं उनका ब्यौरा दिया। साथ ही साथ मोहन मरकाम ने इस बैठक में यह जानकारी दी कि किए गए 36 घोषणा पत्र में वादों में से 24 वादे राज्य सरकार पूरा कर चुकी है और बाकी वादों को भी जल्दी पूरा करने जा रही है। इस दौरान चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र से आ रही दिक्कतों की भी चर्चा अपनी केंद्रीय समिति को अवगत कराया, खासकर की जीएसटी की पेंडिंग रकम और अन्य मामलों में जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर या धान खरीदी को लेकर जो भी दिक्कतें केंद्र और राज्य के बीच में आ रही हैं, उससे भी उन्होंने उसको अवगत कराया। हालांकि शैलेश नितिन त्रिवेदी, संचार विभाग के छत्तीसगढ़ प्रमुख, उन्होंने ये बताया कि बैठक में सरकार के कार्यों की भरपूर सराहना की गई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नितिन चौबे जी पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां कांग्रेस की बैठक में चुनावी वादों पर चिंतन, जयराम रमेश और सुरजेवाला के सामने गिनाए काम, सीएम बघेल और मरकाम ने रखा सरकार का लेखा।